हम फकीरपुरी जा रहे हैं घूमने। हाँ घूमने जा रहे हैं। थैंक यू। हाँ जी बॉस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आई होप क्या सब सही होंगे, सही सलामत होंगे। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं एक छोटी सी राइड पे। पहली बात यही कि आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। अब यहाँ से अपनी राइड को स्टार्ट कर लेते हैं। हम जाएंगे एक छोटी सी राइड पे, एक छोटा सा व्लॉग बनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो गाइस। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी राइड। एंड भाई से अभी मिला हूँ मैं राइट नाउ। अभी हम यहाँ से अपनी राइड स्टार्ट कर लेते हैं। सो मिलते हैं आपसे व्लॉग में। सो अभी फ्यूल अप हो रहा है। हो गया? सो फ्यूल अप हमारा डन है, लेट्स गो। ये चेक करें आप गाइस, आगे आगे देखो मौसम कैसे, मौसम बहुत सही हो रहा है और आगे देखो व्यू कैसा है। ईद पर आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। आई होप कि हम कैंपिंग करने जाए। हम प्लान कर रहे हैं अभी कैंपिंग के लिए। आई होप कि हम जाए कैंपिंग के लिए। जब मौसम ऐसा हो जाता है ना क्लाउडी सा, तो ना मतलब सारी चीज़ें ना ऐसी ऐसी यूनिक हो जाती है ना, पूछो ही मत। मौसम ऐसा हो रहा है ना मैं बता नहीं सकता। ठंडा मौसम है, लगता है बारिश होने वाली है, बट बारिश नहीं होनी चाहिए। अरे हमारे पास रेनकोट वगैरह है, बट फिर भी यार बारिश नहीं होनी चाहिए भाई। मेरे को लगता है बारिश इतनी ज़ोर से हो जाएगी हम भीगेंगे आज। बारिश बहुत नहीं पड़ेगी भाई, बहुत ज़ोर से पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। ये 7 किलोमीटर है यहाँ साइड से। सो 7 किलोमीटर है, कोई नहीं, 7 किलोमीटर हम तो कर ही लेंगे, 5-10 मिनट लग जाएंगे वहाँ तक। सो यहाँ से हम वहाँ वहाँ की तरफ चलेंगे। वो ना इस साइड से आता आपका, तो फलाप से वहाँ की तरफ चल लेते हैं। हाँ जी सर। कहाँ से? श्रीनगर से। श्रीनगर से बंद कर इसको। बंद करो। हाँ जी सर बताएं। कितना जा रहे हैं? हम फकीरपुरी जा रहे हैं घूमने। हाँ घूमने जा रहे हैं। थैंक यू। हाँ जी बॉस। पीछे ने हमको पुलिस ने रोक लिया था। वो कह रहे थे कि आप कहाँ से हो और कहाँ जा रहे हो। हमें कहा हम श्रीनगर से ही है और उन्हें कहा हम फकीर गुजरी जा रहे हैं। फिर कहाँ जाके ऐश कर लो। फिर हम पहुँचने वाले हैं फकीर गुजरी, जो अस्तानमर्ग के साथ में आपका आता है। आपका लेफ्ट साइड पे अस्तानमर्ग आता है और राइट साइड पे आपका फकीर गुजरी आता है। हम देखेंगे ये रोड कहाँ तक जाएगा, तो वहाँ तक जाएंगे, इस व्यू का मज़ा लेंगे। बिकॉज कल ईद है तो हमें जल्दी घर पहुँचना होगा। और देखो सेकंड गियर में क्या बाइक चल रही है भाई, हिल पे भाई ये नहीं मानती। ये अपनी रफ्तार पकड़ लेती है ना, फिर से हिल दे दो या अप्रो दे दो, इसे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी बाइक है ये। सो फाइनली हम पहुँचे हैं यहाँ। अपनी बाइक को ना यहाँ पे साइड में रख लेते हैं। लुक क्या लग रही है भाई। सो अभी यहाँ से वहाँ की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा ट्रैक करेंगे हम, बिकॉज थोड़ा सा ट्रैक करना ज़रूरी है। यहाँ से ऑफ रोड नहीं होगा इन बाइक्स पे, तो नहीं होगा। अगर डर्ट बाइक होती, डर्ट बाइक से हो जाता ऑफ रोड यहाँ साइड से, बट इन बाइक्स पे ऑफ रोड कराना यहाँ साइड से इम्पॉसिबल है। रोड देखो ऐसा है ना, मतलब हिमालय तो नहीं चढ़ेगी यहाँ साइड से, बट हाँ एक चीज़ एक बाइक चढ़ेगी, वो डर्ट बाइक होती है कि उसका टॉर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा हल्का सा चलेंगे ऊपर की तरफ, ऊपर देखेंगे ये पानी आता कहाँ साइड से, जहाँ से गुजरता है। ऊपर से ना वाटरफॉल वगैरह होगा जहाँ से पानी आता होगा, तो हम वहाँ चलेंगे, वहाँ का थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। चेक करें भाई, आराम से चलना बिस्मिल्लाह। ओ भाई लुक ऐसे ठीक है, साफ करो आराम से। लुक भाई कैसा लग रहा है, गजब है ना भाई। देख रहा व्यू यहाँ साइड से भाई, अमेजिंग है। इट इज ऑसम, आई लव इट। फिलहाल हम यहाँ से चल रहे हैं अपनी ट्रैक को ना मज़े लेते हुए। हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे आगे जो ये पानी है ये कहाँ से आता है, अगर हम पहुँच पाते हैं वहाँ तो। चलने का ना बहुत एक्सपीरियंस रहता है, बहुत सही रहता है, इतना मज़ा आ रहा है ना। मतलब यहाँ की ब्यूटी इतनी खूबसूरत है ना, यहाँ का जो झरना चल रहा है पानी का, वो अल्टीमेट है यार, वो बहुत मतलब सही है। जितना जितना ऊपर जा रहे हैं ना उतनी सांस चढ़ रही है, बट व्यू अल्टीमेट है भाई साहब, बहुत सही है भाई, बहुत सही है, बहुत सही है। ऊपर तक जाएंगे पूरा देख, हम ऊपर तक जाएंगे, हम देखेंगे पानी आता कहाँ से है। फिलहाल हम यहाँ से चल रहे हैं ट्रैक करते हुए। पता नहीं था कि हमें ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, अनएक्सपेक्टेड ट्रैकिंग हो रही है अभी। हम आए थे फकीर गुजरी को ऐसे ही देखें ना, मतलब व्यू पॉइंट आपको उस साइड से पड़ता है, वहाँ साइड से। बट क्या अभी हमने देखा कि यहाँ से पानी भी है, पानी भी जाता है किस साइड से, तो हमने देखा कि देखा जाए ये पानी आता किस साइड से। व्यू देखो व्यू कैसा है यहाँ साइड से भाई, गजब है, अमेजिंग है। बट ठंड लग रही है मेरे को ना, हाथ सुन पड़ रहे हैं अभी।
ये कितना ऊपर है अभी? क्या मतलब, मतलब कि पानी कहाँ से आ रहा है? बहुत ही नहीं है पानी, पानी बहुत ऊपर है। हाँ। कितना मतलब कितना घंटे का ट्रैक है अभी? लगे चार घंटे। वो भाई चार घंटे लगे थे वहाँ तक। अरे भाई फिर आधा घंटा ट्रैक करेंगे और छोड़ेंगे फिर। वो चार घंटे का ट्रैक है। हाँ। और आपका नाम? समीर। समीर जी। समीर भाई आप कहाँ पे रहते हो? नीचे रहते हो? सलामुअलैकुम। ठीक है अच्छे से। सलामुअलैकुम। ठीक है अच्छे से। तो समीर भाई मिले हैं यहाँ पे। समीर भाई आपका नाम? आपका नाम कदीर। कदीर कदीर। आपका नाम? आपका नाम यासिर। और भाई आपका नाम क्या है? सरफराज। सरफराज कहाँ जा रहे हो भाई? घूमने? नहीं हमारा माल है। अच्छा बैठो क्या आप? हाँ। अच्छा अच्छा अभी आप वापस कब आ रहे हो? अभी देखिए यहाँ तक जाएंगे अभी वापस आएंगे। अच्छा आगे तक जाएंगे भाई? हम भी आगे तक जाएंगे। फारिस तो चलो यार साथ में चलते हैं। चलो आ जाओ साथ में चलते हैं। ये ट्रैक बहुत लंबा होने वाला है। कहाँ ना हम ऊपर चलेंगे भाई? हम बहुत ऊपर चलेंगे अभी, बिकॉज ट्रैकिंग में मज़ा कुछ और ही आएगा। क्या शू पहना है ट्रैकिंग में और पैंट पहन के आया? देखो भाई इनके देखो, इसको बोलते हैं प्रोफेशनल। प्रोफेशनल बंदा, प्रोफेशनल। हमें ट्रैकिंग करना ही नहीं था, ये अनएक्सपेक्टेड हो गई। मैं आपको उसकी हालत दिखाता हूँ। देखो भाई साहब देखो कैसे आ रही है। जीन्स लगा के यहाँ पे, जीन्स लगा के आया। फोन अबे यहाँ नेटवर्क चल रहा है ना? यहाँ पे नेटवर्क है बट मस्त व्यू आ रहा है भाई साहब। यहाँ से व्यू चेक करो क्या जबरदस्त है। वो देखो मवेशी माशाल्लाह। चलो उससे बात करते हैं वहाँ पे। आ जाओ उनसे बात करते हैं। चलो जी सुबह हम यहाँ तक पहुँचे ना, बट गाइस बारिश होने स्टार्ट हो गई है और बारिश में मूड खराब हो जाता है यहाँ से, बिकॉज से बहुत ठंड पड़ जाती है। और इन सबसे बात की जो कि मुझे बहुत सही लगा। सुबह हम यहाँ से फिर से आप ट्रैक स्टार्ट कर रहे थे ऊपर की तरफ। हम थोड़ा और ऊपर चलेंगे, अगर बारिश बंद हुई फिर हम पूरा ट्रैक करेंगे। आई होप कि बारिश बंद हो क्योंकि बारिश में भीग जाएंगे हम। एंड लुक छोटा बच्चा है यार। ये देखो कैसा है छोटा बच्चा है। ये सारे जो भेड़ बकरियाँ हैं ना, ये शेफर्ड्स के हैं जो पहाड़ों पे रहते हैं। हम भी ऊपर चलेंगे, ऊपर देखेंगे, ऊपर साइड से वहाँ तक जाएंगे हम, वहाँ साइड से व्यू देखेंगे व्यू कैसा होता है। अब अगर यहाँ से मैं व्यू देखूँ ना, लुक ओह भाई दिस इज अमेजिंग। सो अभी मैंने इनसे बात की और भाई ये कह रहे चार घंटे लग जाएंगे, मतलब बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। उतनी हिम्मत तो नहीं बिकॉज हमने रोज़ा रखा है, इट्स द लास्ट डे ऑफ रमजान। तो ऊपर चलेंगे, ऊपर से व्यू का मज़ा लेंगे और अगर हम ट्रैक कर पाते हैं तो करेंगे। आई होप कि हम कर पाए। आई होप कि बारिश जो है ना ख़त्म हो जाए, अभी बारिश गिरे तो इसकी वजह से ट्रैक करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत ठंड है। सो अभी बारिश हो रही है, रेनकोट लगाना पड़ा और यहाँ से ना भाई बहुत ट्रैक करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी, लुक वहाँ साइड से कितना ट्रैक है भाई। भाई बहुत सारा ट्रैक है। यहीं तक चढ़े या ऊपर चढ़े? यहीं तक जाएंगे हम। सो भाई हम यहाँ से अपनी बाइक की तरफ वापस चल लेते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे नीचे। सुबह हम फिर से नीचे आए हैं बिकॉज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी ऊपर, वहाँ से बहुत ठंड थी। तो यहाँ से हम नीचे चलेंगे अपनी बाइक को स्टार्ट कर लिया। हमने बाइक ना यहाँ पे रखी थी, लुक बाइक हमारे यहाँ पे रखी थी। सो भाई हमसे नीचे चल लेते हैं, मिलते हैं आपसे नीचे। यहाँ का तो हो गया हमारा, हमने वैसा वाला व्यू देख लिया, ट्रैकिंग भी की जो अनएक्सपेक्टेड हो गई बिकॉज हमें ट्रैकिंग करना तो नहीं था, अब हो गई क्या ही कर सकते हैं, वहाँ पर ट्रैकिंग करना था। सो अब यहाँ इस व्यू का मज़ा लेके हम अपने घर की तरफ वापस चल लेते हैं। एंड वन मोर थिंग गाइस, मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक हो। सो अभी हम यहाँ से अपने घर की तरफ वापस चल लेते हैं, मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में एक नई जगह। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, फी अमानिल्लाह।